हेलो एल्बम डिजाइनर और फोटोग्राफर्स, आपने अगर फ्लिपिक्स पे रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको 3 क्रेडिट और 7 दिन की वैलिडिटी मिलती है। अब इसमें एल्बम कैसे क्रिएट करेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हैं और आपने एक वीडियो बना के फ्लिपिक्स की डाली और उस पर हैशटैग फ्लिपिक्स यूज़ किया और 1000 व्यू आया तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। वीडियो का लिंक आप hello@flipix पे भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एल्बम कैसे बनती है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे क्रिएट न्यू पे। यहाँ आने के बाद आपको क्लाइंट का नेम डालना होगा। नेम में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, या उनका नाम जो एल्बम पे प्रिंट कर रहे हैं, या फिर कुछ कोड जैसे कि हैशटैग राजा रानी, या आजकल सभी क्लाइंट का हैशटैग भी बनता है वो भी, या फिर सिंपली राजा वेट्स रानी। जो भी आप नाम लिखेंगे इसी से आपका बाद में कभी भी सर्च करने में आसानी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन है वो चूज़ कर लेना है, जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फंक्शन का डेट ले लेना है। मैं अभी फॉर एग्जांपल टुडे का डेट डाल रहा हूँ, 5 सितंबर। अपडेट वीडियो, अब है म्यूज़िक सिलेक्टर। यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक जो है ये चेंज भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम और आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक जो है कोई भी चूज़ कर लेनी है। और जो म्यूज़िक आपने चूज़ किया है वो म्यूज़िक यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूज़िक के बाद अब आती है बारी एल्बम की। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप या सिलेक्ट, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको कवर फर्स्ट डालना होगा और कवर का लास्ट पेज डालना होगा। इससे क्या होगा, आपके एल्बम की जो भी विड्थ साइज़ है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। आपकी एल्बम 12:36, 14:40 या 17:24, 18:24, 15:30 कुछ भी हो, उसका हाफ कवर डालेंगे एल्बम की साइज ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पे यदि आपके पास हाफ ऑफ पेज रेडी है, यानी डीएम फर्स्ट और डीएम लास्ट, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो अगर आपके पास जो भी फर्स्ट डीएम है उसको भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 9 पेज को सिलेक्ट किया है, मैंने ये हाफ ऑफ पेज नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सारी फोटोज यहाँ पे आ गई है। एक बार में ही इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फ्लिपिक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, इसकी जो यूजुअल टाइम है वो 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच होती है। ये एल्बम यहाँ पे आपकी फ्लिपिक्स पे पूरी तरह से रेडी होगी और बाइंडिंग होगी, यहाँ पे फाइनलाइजिंग हो गई और यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको व्यू करूँगा और एल्बम के ऊपर हमारी पूरी ब्रांडिंग, ये राजा रानी नाम, डेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर सारा कुछ आ गया। और साथ ही साथ आप इसको यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और जो हाफ पेज हमने यहाँ पे डाला था वो हाफ पेज यहाँ आ गया और एल्बम हमारी पूरी बन के तैयार हो गई। तो ये आसान तरीका है एल्बम को फ्लिपिक्स पे कन्वर्ट करने का। और अपने क्लाइंट को आप फ्लिपिक्स बना के एल्बम भेजें और क्लाइंट से आप यहाँ पे फ्लिपिक्स के ऊपर अप्रूवल भी ले सकते हैं, और अगर वो करेक्शन डालते हैं तो करेक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ से अप्रूव के बाद अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपकी प्रिंट सिक्योर होगी, क्योंकि यहाँ पे नेम, डेट, सीक्वेंस वगैरह वेरीफाई हो सकता है और एल्बम के साथ जो भी रिलेशन है वो डाल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे अदर का भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना रिलेशन ऐड कर सकते हैं। ये प्रोसेस है फ्लिपिक्स बनाने का और इसको आप यहाँ से लिंक को कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से शेयर नहीं करना है तो आप बैक हो जाइए और ऑल फ्लिपिक्स के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कॉपी लिंक करेंगे और यहाँ से शेयर करेंगे। ये आसान तरीका था एल्बम बनाने का।